फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में बढ़ती जनसंख्या पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए देश के उद्धार के लिए आगे आया एक परिवार, जिन्होंने एक पहल की जनसंख्या नियंत्रण की ओर। अकेले चले थे लेकिन पूरा परिवार जुड़ गया। एक फाउंडेशन का गठन किया गया जिसका नाम है सुरभि फाउंडेशन, जिसके कर्ता धर्ता श्री दिनेश तलवार जी और उनकी धर्मपत्नी दिशा तलवार जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुरभि फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता देश भर में कई जागरूकता अभियान कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं और तलवार दंपति आज से नहीं बल्कि सन 1994 से इस मुहिम में जुटा हुआ है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि 1994 में आप इस मुहिम में अकेले चले थे, फिर मैम कैसे जुड़ी, तो एक एक करके हमारे ऑडियंस को बताइए। 1994 में जब मैंने एक जगह ये बात सुनी कि देश की सबसे बड़ी समस्या पर कोई भी सरकार गंभीर नहीं है, तब मेरे को ऐसा लगा कि जिस मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है उस मुद्दे पर ही काम करना चाहिए। और मैंने अपने बल पर इकट्ठा होकर, सिर्फ मैं अकेला था और दो चार मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान शुरू करा और 25 साल पहले जो अभियान शुरू करा था आज देश के प्रधानमंत्री ने उसको भी एक अभियान माना है। जी, तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि 1994 में वो अकेले चले थे, फिर आप कैसे जुड़े इसमें? 94 से यह अभियान चल रहा है, उसके बाद 97 में मेरी शादी हुई। 97 में जब मेरी शादी हुई, जब मैंने देखा कि दिनेश जी एक इन्होंने बहुत अच्छी एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो मुद्दा ही ऐसा था जनसंख्या। सबको मालूम है कि इसके बहुत सब प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स की समस्या है, सब जनसंख्या ही है। तो हम मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं भी इस अभियान में इनके साथ जुड़ी। उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई बेटी, उस बेटी के बाद फिर मेरा बेटा भी हुआ, फिर हमारे बच्चे भी हमारे इस अभियान में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमेशा, हम लोग अपने मिशन में हमारे साथ हमारे बच्चे भी ज़रूर होते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सी परेशानियाँ कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, कितने चैलेंजेस से आप लोग गुजरे हैं और क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया है? पिछले 25 सालों में इतनी परेशानियाँ हमारे सामने आई हैं, कई लोगों ने हमारा विरोध किया और ये कहा कि ये भी कोई मुद्दा है, किस मुद्दे पर काम कर रहे हो। हिंदू कहते थे कि तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो और मुस्लिम ये कहते थे कि तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो, परंतु हमने अपने अभियान को कभी भी रोका नहीं, हम निरंतर करते रहे। जितना ज़्यादा हमारा विरोध हुआ हमने उतना ही ज़्यादा काम किया और आज ये देखकर खुशी होती है कि जो लोग कल हमारा विरोध किया करते थे ना, आज वो चौराहे पर खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण की बात किया करते हैं। जी, तो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है ये कि जिस चीज़ को, मतलब एक देश बदलने की ओर आपने एक पहल करी है, तो काफ़ी अच्छी पहल है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी, गरीबी, कई सारी परेशानियाँ इसी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो स्ट्रगल था उसके बावजूद आप आगे चलते रहे, तो उल्टा चलने की जो ये एक मुहिम है, ये इसके पीछे का रीज़न या लॉजिक क्या है? मतलब उल्टा हम इसलिए चलते थे कि देश सीधा चले। उल्टा चलकर हम सरकार को ये बताने की कोशिश करते थे कि सरकार उल्टा काम कर रही है। कैसे कर रही है कि तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर एक रुपए भी नहीं खर्च करते। उल्टा चलकर हम सरकार को ये बताने की काम कर रहे थे कि सीधा कार्य यह है कि वो आबादी पर रोक लगा दे, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से इस देश में, कभी आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार, वो नारे भी अब दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा रोशनी डाली इस चीज़ पर कि कैसे आप अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, क्या एक प्रणाली या फिर क्या एक प्रोसीजर होता है जिसको आप अपनाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें लोगों को जागरूक करना है, क्या आपका काम करने का तरीका है? बस मेरे हम लोग जब अपना अभियान चलाते हैं तो हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं, और जब मेरे पति उल्टा चलते हैं तो मैं सीधा चलती हूँ क्योंकि मुझे उन्हें रास्ता दिखाना होता है। हम लोग एक्चुअली में बिल्कुल मेन रोड पर भी चलते हैं, तो जबकि कहीं टक्कर ना हो जाए तो हम लोग सीधा मैं चलती हूँ, उन्हें मैं रास्ता दिखाती हूँ। और कई बार हमें लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से करके निकलते हैं, बहुत चीयर अप करके, तो बहुत अच्छा फील होता है जब हमें इस तरीके से भी ऐसे कोई सब करते हैं। बाकी ये है कि देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव तो चलता है, हमें
जैसे अभी इन्होंने बताया है कि उस तरीके से हमें भी नेगेटिव बातें भी कभी सुनने को मिलती है, क्योंकि एक्चुअल में इस समस्या को, जनसंख्या की समस्या को लोग धर्म की राजनीति से जोड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान के उससे जोड़ते हैं, बट ये धर्म की समस्या नहीं है, ये एक देश की समस्या है। आबादी की रफ्तार पर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो 200 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, और ना पानी मिलेगा और ना बिजली मिलेगी। सिर्फ दो लोग 1857 के क्रांति के शहर मेरठ से आकर पूरे देश में घूम घूम कर आपसे ये अपील करते हैं कि जब नेताजी वोट मांगने आए ना, तो उनसे पूछना कि आजादी के बाद इस आबादी पर कभी कुछ किया या नहीं किया। अरे सवाल तो पूछो, एक बार इन नेताओं से सवाल तो पूछो, क्या वोट बैंक की राजनीति के कारण हम बढ़ते जाएंगे। अरे कौन रोकेगा इस मुल्क की आबादी को, कौन रोकेगा? हम खुद तो जागरूक हो ही, साथ ही लोगों को भी करें, एक वोट का महत्व समझाएं। सरकार आने का इंतजार सभी को है, उसका महत्व समझाकर जन जन को जागरूक करें। तो यहाँ पर मेरे एक सवाल ये है कि देश भर में कई शहरों में आप कई राज्यों में गए, जहाँ पर सिर्फ यूपी ही नहीं, आप महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, वहाँ पर आपने लोगों को जागरूक किया, तो ये कैसा सफर रहा आपका? कि मतलब अपने, एक होता है अपना शहर, वहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन दूसरे शहरों में जाकर इस तरीके से लोगों को जागरूक करना, तो ये पूरा एक देश का मुद्दा बनकर आप खड़े हो रहे हैं, देश की समस्या को एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या क्या परेशानी वहाँ पर झेली आपने, या फिर कितना सपोर्ट वहाँ की पब्लिक ने आपको दिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ का आप शेयर करें। तो 150 शहरों में हमने पदयात्रा करी है जी। कहने को बहुत छोटी बात है और सोचो तो बहुत बड़ी बात है कि 150 शहरों में जब हम गए तो वहाँ के DM को हमने ज्ञापन दिया, वहाँ पर अभियान चलाया। वहाँ जाकर हम सिर्फ एक ही कहते थे कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, अब एक क्रांति जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ आपके शहर से भी होनी चाहिए। और उन लोगों को जब हम पोस्ट कार्ड दिया करते थे तो लोग पोस्ट कार्ड भी लेते थे, लिखते भी थे, तालियाँ भी बजाते थे, परंतु दूसरे शहरों में जाकर हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। परंतु मेरठ का दुर्भाग्य हमारे साथ ऐसा रहा कि हमने एक बार चुनाव में यह अभियान चलाया था कि वोट उसको करना जिसके 2 बच्चे हों, वोट उसे ही देना जिसके 2 बच्चे हो, तो एक प्रत्याशी के 8 बच्चे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं ने मौका देकर हमारी धुनाई भी हमारी अच्छी तरह से कर दी थी। और जब वो जीत गया था तो उसके बाद वो हमारे ऑफिस के आगे से निकल कर जाते हैं और नारे लगाते हैं कि जीत गया भाई, जीत गया, 8 बच्चों वाला जीत गया। तो मतलब जहाँ एक तरफ पूरे देश में यहाँ पे ये मुहिम छिड़ी जा रही है कि हम दो, हमारे दो, क्योंकि ये एक समस्या है, 8 बच्चे या फिर कम बच्चे, ये कोई देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज की बात आ जाती है कि कम पड़ जाते हैं रिसोर्सेज, तो जितना कम होगा आप उतनी अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे पाएंगे, यहाँ से इन्हें जोड़ा जाता है इस तरीके की अगर प्रताड़ना या फिर इस तरीके की टॉन्ट अगर बाजी कोई अगर करता है तो ये गलत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 2010 की अगर मैं बात करूँ, आप 365 दिन का आपने रामधुन का जो प्रोग्राम किया था उसके माध्यम से आपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी 2010 में, तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी, ज्ञापन पे ज्ञापन, तो हमें हमारे मन में आया, हमने 365 दिन तक हम रोज जाते थे कलेक्ट्रेट में, छुट्टी वाले दिन भी जाते थे, और वहाँ पर 2-2.5-4 मिनट तक हम रामधुन गाते थे। रामधुन गाने के बाद हम एक ज्ञापन DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजते थे, तो हमने 365 ज्ञापन लगातार भेजे, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि 365 ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री के ऑफिस में गए और आज तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। सरकार गंभीर नहीं है इस मुद्दे पर। तो यहाँ पे मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसको दोषी मानते, क्योंकि
पिछले 25 सालों में 70,000 लेटर आप पीएमओ को लिख चुके हैं, तो फिर भी जो केंद्र सरकार है इस पर कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही, क्या दोष? क्योंकि सरकार ने बहुत से अभियान चलाए, बहुत सी मुहिम छेड़ी गई कि आंगनवाड़ी या फिर इस तरीके से भी घर घर भेजकर लोगों को जागरूक किया, उसके बावजूद भी अगर आप देश की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा दयनीय है। सोचने वाला मुद्दा ये है कि अभी तक भी सरकार इस पर कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रही, कोई रूल नहीं आ रहा, कोई लॉ नहीं आ रहा, इससे आप किसको दोषी मानते हैं? हमने अब तक बहुत पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम भेजे हैं, सब हमने स्कूल के बच्चों से लिखवाए हैं, इवन हम जब किसी शहर में जाते हैं वहाँ के कॉलेजेस में भी जाते हैं, वहाँ के वहाँ पे किसी स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ के बच्चों से लिखवाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम हर शहर से पोस्ट कार्ड भेजें प्रधानमंत्री जी के नाम। सिर्फ ये नहीं कि मेरठ से ही नहीं जाते हैं, हम लोग बाहर के शहर बाहर शहर में भी जाके उनके मतलब जगह जगह से हम लोग भेजते हैं। ठीक है, अभी तक तो कुछ नई सुनवाई हो रही है, बट अब जब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अब इन्होंने इस्तेमाल बोला है, तो अब हमें अब आशा की किरण जागी है, आशा की किरण जागी हमें, और अब हमारी बड़ी तमन्ना है कि अब हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब हम उनसे मिलना चाहते हैं इस मुद्दे पर जरूर। जी, तो इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछली इतनी सरकारें आई, कभी किसी ने इन गंभीर मुद्दों को नहीं उठाया, यहाँ तक कि पिछले 5 साल में जब मोदी सरकार रही तो भी इस पर बात की गई कि जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी जी बात करना पसंद शायद नहीं करते, लेकिन इस बार दोबारा से भगवा लहराया है और लाल किले से उन्होंने इस बात को कहा है। उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ जरूर इस पे होगा, क्योंकि मोदी जी ने जरूर एक पहल कर दी है अब, जो कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है, बट मोदी जी ने अब शुरुआत करी है, तो उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ इस पे कुछ लॉ या कुछ ना कुछ कानून नियम जरूर बनेगा। जी, तो यहाँ पे मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी कि कैसा भारत, कैसा नया भारत आप देखना चाहते हैं, क्या एक विजन हमारे देश के लिए आ सकते हैं? नया भारत सोने की चिड़िया तभी बनेगा कि जब आबादी पर अंकुश लगेगा, और अगर अब भी हम ये चाहेंगे कि वो अब भी सोने की चिड़िया कहलाए, और किसी भी सरकार ने अगर धर्म के चश्मे से इसको देखा तो भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। भारत के हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि बिजली, पानी, आवास, तमाम समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इन सभी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना है तो दलगत राजनीति से उठकर जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश में बनना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सुरभि फाउंडेशन लगातार इतने सालों से इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, अगर आप भी उनका साथ देना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि जनहित के इस खास कार्यक्रम में जो आप लगे हुए हैं, लगातार जो आपने जागरूकता अभियान छेड़ा हुआ है, इसमें आपको हर कदम पर सफलता मिले, इस आशा के साथ आज हम इजाजत चाहते हैं। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और फर्स्ट बाइट की खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।